बंदिशें हैं लेकिन इंतजाम नहीं, इसके बारे में बात करेंगे और इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी से आपको मुखातिब करवाते हैं। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। देश में कोरोना के आंकड़ों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है, अब चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही। बीते 24 घंटों में 13,154 नए केसेस सामने आए। अब तक नए वेरियंट ओमाइक्रॉन के 961 केसेस सामने आए। दिल्ली में सबसे ज्यादा 263 केसेस, यानी कि दिल्ली में कहर ओमाइक्रॉन बरपा रहा है। महाराष्ट्र में 252 लोग संक्रमित, ओमाइक्रॉन के अब तक 320 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोरोना से जुड़ी हुई बता रहे हैं और जानकारी आपको दे दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने देश में संक्रमण को और ज्यादा रफ्तार अब दे दी है। मुंबई और दिल्ली में कोरोना के मामले खतरनाक तरीके से बढ़ने लगे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन दो महानगरों में एक ही दिन में केस दोगुने हो चुके हैं। तो एक ही दिन में केसेस डबल और दिल्ली में सबसे ज्यादा 263 लोग संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में अब तक 252 ओमाइक्रॉन के केस हैं। गुजरात की अगर बात करें तो 97 मरीज, कहां पर कितने, किस राज्य में कितने पॉइंटर्स के जरिए विस्तार से आपको जानकारी हम दे रहे हैं। राजस्थान में 69, केरल की अगर बात करें तो यहां पर आंकड़ा 65 है। तेलंगाना में 62 लोग संक्रमित अब तक और जानकारी आपको तमिलनाडु की दे दे तो ओमाइक्रॉन के 45 मरीज है। इसके अलावा कर्नाटक में अब तक 34 लोग पॉजिटिव और आंध्र प्रदेश में आंकड़ा 16 है। हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर भी संक्रमण अब लगातार बढ़ता जा रहा है, यहां पर आंकड़ा 12, हालांकि पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा अभी 11 है। मध्य प्रदेश, ओडिशा में 9-9 मरीज और उत्तराखंड में ओमाइक्रॉन के 4 संक्रमित है। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में आंकड़ा 3-3 और इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें जैसे कि उत्तर प्रदेश, तो यहां पर अभी 2 इसका आंकड़ा है। गोवा, हिमाचल, लद्दाख, मणिपुर, पंजाब में 1-1 केस। तो अब तक 961 मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है, एक ही दिन में मामले डबल हो चुके हैं। हालांकि लोगों के एक साथ जुटने पर रोक लगा दी गई है लेकिन दिल्ली में बाजारों, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड पर जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तस्वीरें देखिए, लोग बाजारों में बिना मास्क घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सख्ती के लिए लागू किए गए नियम भी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सरकार की तरफ से बंदिशें तो लगाई गई है लेकिन इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं फिलहाल आप देख सकते हैं दिल्ली के बाजारों की तस्वीरें, किस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ी है, बड़ी संख्या में लोग एक साथ जुटे हुए हैं और कुछ लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो पर लंबी कतारें जब लगी, पाबंदी लगी लेकिन इंतजाम नाकाफी थे, इंतजाम नहीं थे और ऐसे में मेट्रो पर लंबी लंबी कतारें, लोग परेशान हुए। दूसरी तस्वीर देखिए बस स्टैंड की, जहां पर भारी भीड़ बस स्टैंड पर दिखाई दी और लोगों को मेट्रो के अलावा बस में भी सफर करने में परेशानियां आई। और सवाल ऐसे में खड़ा ये होता है कि ऐसे कैसे थमेगा कोरोना जब भीड़ बड़ी हो। देश में ओमाइक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ओमाइक्रॉन संक्रमण को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ चुकी है। सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। दिन में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सदर बाजार जैसे इलाकों में लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ गुरुग्राम में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। नियमों का पालन नहीं करना लोगों पर भारी पड़ सकता है, इसी को लेकर बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने। देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और साइबर सिटी गुरुग्राम में भी ओमिक्रॉन का केस पाया गया है। ऐसे में गुरुग्राम के बस स्टैंड हम पहुंचे हैं जहां पर ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सरकार द्वारा कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं लेकिन दिन में क्या हालात हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग बिना मास्क लगाए बस स्टैंड पर घूम रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग बिना मास्क लगाए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार जो मामले
कोरोना के भी गुरुग्राम में बढ़ रहे हैं, और ये लापरवाही का जो मंजर है, ये सब्जी मंडी या सदर बाज़ार या बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग बिना मास्क लगाए ही नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चंडीगढ़ की बसें यहाँ से जाती हैं, और यहाँ पर जो लोग तमाम जो लोग बैठे हुए हैं किस तरह से बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना पहले से ही लगातार चला आ रहा है। ऐसे में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद और ज़्यादा लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लोग सावधानी बरते, जिससे कि संक्रमण से बचा जा सके। लेकिन बस स्टैंड के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि गुरुग्राम जैसे शहर में लोग कितने जागरूक हैं। ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही है, तो ऐसे में ज़रूरत है सख्ताई की। हालांकि जिला प्रशासन लगातार अपील करता है, और ऐसे में जो चलानिंग प्रक्रिया है, बिना मास्क लगाए जो लोग घूमते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अब तेज़ हो रही है। आप बस में भी देख सकते हैं कि जहाँ 50% कैपेसिटी के साथ बात कही जा रही थी, लेकिन किस तरह से बस में लोग एक के साथ एक सीट पर बैठे हैं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है या अपील की जा रही है, वो कोई नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर लगातार इसी तरह का मंजर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में खौफ नहीं है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि प्रशासन और सरकार द्वारा लगातार ओमिक्रॉन या कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही का मंजर पेश कर रहे हैं। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि नए वेरिएंट के क्या लक्षण हैं, जिन्हें देखकर तुरंत सावधानी की जरूरत है। कोरोना अलर्ट, अगर 8 लक्षण हैं तो पहला लक्षण, अगर निकलते समय गले में चुभन होती है तो इसका लक्षण है, अगर दवाएं लेने के बावजूद भी नाक बहना जारी है तो सावधान रहें, ये भी एक लक्षण है। तो लक्षण लगातार आपको बता रहे हैं कि अगर आप लगातार थकान महसूस कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, ये तीसरा लक्षण है। तो आपको बता दें कि ग्राउंड पर हमारी टीम इस वक्त मौजूद है, और ग्राउंड से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है आप तक हम पहुंचाएंगे, और जानकारी आपको दे दें कि हैदर अली हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, शिवेंद्र अमिताभ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, संवाददाता हमारे बल्लभगढ़ से अमित चौधरी भी जुड़े हैं, विजेंद्र कुमार गुरुग्राम से जुड़े हुए। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। शिवेंद्र अमिताभ, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है दिल्ली में, और ये बताइए कि कोविड नियमों का पालन क्या लोग कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हूं, और हमारे पीछे देख सकते हैं आज बिल्कुल स्मूथली जो है वो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीते कल का दिन था उसमें बहुत भीड़ भाड़ देखी गई थी, इतनी मशक्कत करनी पड़ी थी पुलिस को कि लोगों की इतनी गैदरिंग हो गई थी मेट्रो में जाने के लिए कि लगातार उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने सख्ताई बरती, जिसके बाद आज बहुत अच्छे तरीके से मेट्रो में लोग सफर कर रहे हैं और मास्क भी लगा के जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी देख लो जा रही हैं, ये सब सबके चेहरे पे मास्क है, और साफ तौर से बात करें तो कहीं ना कहीं इसका पालन करना लोगों पे अब दिखाई दे रहा है। तो तमाम अव्यवस्थाओं से सीख लेते हुए अब दिल्ली मेट्रो में व्यवस्थाएं ठीक की गई, और आपका ये कहना है कि अब लोग आ रहे हैं और ठीक तरह से मास्क भी पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि गुरुग्राम से विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, गुरुग्राम की अगर बात करें तो आपने तस्वीरें भी कुछ देर पहले अपने हमारे तमाम दर्शकों को दिखाई थी, जिसमें लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे थे, क्या इन लोगों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? विजेंद्र से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हैदर अली के पास चलते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर अली, गाजियाबाद से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए महिमा, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो दिल्ली से सटा होने के बावजूद यहाँ पर प्रशासन ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार है योगी आदित्यनाथ ने, नाइट कर्फ्यू का आगाज किया था, लेकिन बात की जाए तो धरातल पर ऐसी जो भी आदेश है उसकी पालना नहीं हो रही है। गाजियाबाद के आपको दिखा दो तस्वीरों के माध्यम से, मैं पुराना बस अड्डा है यहाँ पर, रोडेज बस अड्डा, जो यहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए अलग अलग जगह पर लोग जाते हैं,
देखिए ये पीछे मेरे पीछे ये बस स्टैंड है पूरा, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो धरातल पर जितने भी आदेश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइन को लेकर, वो कहीं ना कहीं धाराशाही होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग जो है जो कंडक्टर और बस ड्राइवर है वही मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो वो आम जनता को कैसे मास्क लगाने की हिमायत देंगे। और यही बात की जाए तो जहाँ प्रशासन एक तरफ दावे कर रहा है कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं मास्क लगाने के लिए, दो की दूरी का इस्तेमाल करने के लिए या सैनिटाइज यूज करने के लिए, अगर वहां बात की जाए तो बस अड्डे के अंदर या इससे अलग किसी भी जगह है वहां पर सोशल डिस्टेंस धज्जे उड़ाई जा रही है, मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग, ऐसी कोई प्रभावी प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। वही अगर बात की जाए तो जनता टीवी लगातार ही ऐसे मुद्दे उठाता रहा है, चाहे उसको रेन बसेरों को लेकर है जिसमें एसडीएम स्तर के लोग भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रात को रेन बसेरों में लोगों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर वहां वही बात एक गाजियाबाद की ये भी आती है कि जहां लोग गाजियाबाद से दिल्ली डेली सफर करते हैं संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन प्रशासन गाजियाबाद में कहीं ना कहीं नतमस्तक दिखाई दे रहा है, और उसकी लापरवाही का कारण यही है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को देखने को मिल जाएगी। और कोरोना आपने बिल्कुल सही कहा कि लापरवाही बरतेंगे तो सावधानियां, अगर नहीं बरतेंगे तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार फिर से गुरुग्राम का रुख करते विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। विजेंद्र, जिस तरह से हैदर अली ने बताया कि लोगों का तो दूर, लेकिन जो ड्राइवर और कंडक्टर है वही कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे, वही मास्क नहीं पहन रहे, क्या आलम ऐसा ही गुरुग्राम में भी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तस्वीरों में हम पहले भी दिखा चुके हैं कि किस तरह से जो बस संचालक है या कंडक्टर है वो भी बिना मास्क लगाए खड़े हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं जब वही इस तरह नियमों की तो लोगों को क्या वो सीख देंगे, पहुंचती है उनको किस तरह को सिखाएंगे, क्योंकि गुरुग्राम में बस स्टैंड हमने आपको पहले दिखाया, अब भी मैं दिखाना चाहूंगा कि अब भी यहाँ पर सैकड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि बिना मास्क लगाए आ रहे हैं, और ऐसे में कहीं गुरुग्राम जिस तरह से कोरोना तेजी से फैल रहा है और अभी तक 500 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं और ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे में जनता को भी की जरूरत है, क्योंकि जिला प्रशासन या सरकार लोगों को हिदायत दे सकती है, प्रतिशत आ सकती है, लेकिन उसमें अगर जब तक सहयोग नहीं किया जाएगा तो ऐसे में कोरोना लड़ाई है या ओमिक्रॉन का जो तेजी से फैल रहा है वायरस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ेगा और हालात बिगड़ते नजर आएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इसी तरह से लापरवाही बढ़ती जाएगी तो हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आएंगे। अमित चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं बल्लभगढ़ से। अमित, बल्लभगढ़ की अगर बात करें तो बीते 24 घंटों में यहाँ पर कोविड के कितने केसेस सामने आए हैं और आलम क्या है, क्या यहाँ पर लोग कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर यहाँ पर भी लापरवाही बढ़ती जा रही है? जी देखिए, जिस तरह से अभी जो दृश्य आपने दिखाया, चाहे वह गुड़गांव की बात हो, चाहे गाजियाबाद की, चाहे दिल्ली के जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगभग उसी तरह के हालात यहाँ बल्लभगढ़ फरीदाबाद जिले के हैं। जिस तरीके से एक बार फिर जिले में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं उसे देखकर तो लगता है कि अभी भी जिलेवासी संक्रमण को लेकर गंभीर नहीं है, शायद यह परिस्थितियां बिगड़ने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पूरे शहर ने कोरोना की दूसरी लहर में हालातों को देखा, उस मंजर को देखा जिसमें ऑक्सीजन की लंबी लंबी लाइने में खड़े हुए इंतजार करते रहे, एक एक सांस के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा, परिवार ने अपने सदस्यों को अपने से दूर रहते हुए देखा, उसके बाद लगातार प्रशासन या सरकार द्वारा किसी भी चेतावनी के बावजूद लोग यहाँ पर कोरोना के नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ के बत्ते पर, यहाँ भी लगभग वही हालात है, लोग बाग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार के आदेश के बावजूद जो 50% यात्रा करने के जो आदेश दिए गए थे बसों में, उसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा, यहाँ के ड्राइवर का कंडक्टर खुद भी बिना मास्क के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शायद लोगों के संक्रमण के प्रति यह उदासीनता का खामियाजा पूरे जिले को उठाना पड़ता है। बाजार में लोगों को देखकर तो लग रहा है कि वह दूसरी लहर के दौरान परेशानियों को भूल चुके हैं, लगभग बेपरवाह होते नजर आ रहे हैं लोग। आने वाली तीसरी लहर में पूरा खामियाजा भुगतने को तैयार हैं। लापरवाही का आलम गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो, दिल्ली हो या फिर बल्लभगढ़, हर जगह देखने को मिल रहा है। शिवेंद्र, अमिताभ, दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए मुंबई और दिल्ली में एकदम से केसेस ज्यादा हो चुके हैं, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से हालांकि नियम बनाए गए हैं, लोगों को कोविड नियमों का पालन करना होगा, लेकिन लोग फिर भी लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। आखिर आपके स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, क्या उनको कोरोना का खौफ नहीं, क्या उनका कहना है? देखिए, जिस तरह से कल 923 केस आए और अचानक से डबल हो गए बिल्कुल, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब हम लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है, मास्क का प्रयोग करते रहें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें,
अगर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे में हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। और लगातार प्रशासन भी हमसे अपील कर रहा है, जनता से अपील कर रहा है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए, लोगों से अपील कर रहा है कि वो मास्क का उपयोग करें। लेकिन ऐसे में जब लोग खुद मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो लापरवाही का आलम इस तरह से बढ़ जाता है कि वो खुद इसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है कि उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से कि मेट्रो में सफर में आज क्या भीड़ है क्या नहीं है। मेट्रो से सफर कर रहे हैं आप? जी जी। क्या आज कितनी भीड़ है? आज तो काफी भीड़ है लेकिन पहले के टाइम से काफी कम हुई है भीड़। कल हम सीट पे 50% बोल दिया है लोगों को लेकिन तब भी कंटिन्यू पूरी सीट भरी हुई आ रही है। तो ऐसे में कह सकते प्रशासन ने कुछ उचित कदम उठाया हुआ है? ऐसे से मैं अभी प्रशासन कदम तो उठा रहे हैं, अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। पर जो हम जनता है वही कदम में डेली अब आने जाने के लिए दिक्कत है, इस चक्कर में क्या करें, वो क्या कर सकते हैं। फिलहाल आज की स्थिति कैसी रही मेट्रो में? पहले से काफी बेटर है। तो साफ तौर से आपको बता दें कि अब मेट्रो में जो है पहले से स्थिति बेहतर है, प्रशासन के साथ साथ लोग भी जागरूक हुए हैं। और ये कह सकते हैं अगर जागरूक नहीं हुए तो जैसी जिस तरह से दूसरी लहर को देखा गया था, ऐसे में तीसरी लहर ना हो इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पे है, लोगों से जागरूक कर रहा है कि मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होना भी चाहिए क्योंकि इसमें उन्हीं का ही फायदा है। हैदर अली, जिस तरह से आपने बताया कि ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या फिर लोग, कोई भी कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहा, क्या ग्राउंड पर कोई टीम मौजूद नहीं है जो इन पर एक्शन ले सके? देखिए महिमा, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो प्रशासन जो दावे कर रहा है, जो रूल बना रहा है, वो कहीं ना कहीं धरातल पर धारा चाहिए। अभी तक गाजियाबाद में कहीं देखने को नहीं मिला कि जो बिगर मास्क के लोग चल रहे हैं उनका चलान किया गया हो। बात की जाए देखो महिमा, बहुत छोटी सी एक चीज है कि जहाँ ऑटो स्टैंड है, जहाँ प्राइवेट बसें हैं जो डेली की अप डाउन करती है, वहां पर खासकर भी नियमों का पालन नहीं होता। और प्रशासन को खासतौर पर पता है कि पालन कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं शांत बैठा हुआ है। वो इंतजार क्या इस चीज के लिए अगर आगाह करा जाए, कहीं ना कहीं जो पब्लिक इतने भारी संख्या में लेकर मास्क के घूम रही है रोड पर, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कमियां हैं वो प्रशासन की है, प्रशासन उन्हें जागरूक नहीं कर पा रहा। और प्रशासन अगर चाहे तो उनको जागरूक कर सकता है, उन पर कार्रवाई कर सकता है। जहाँ लोग लापरवाही बरत रहे हैं लेकिन प्रशासन फिर भी कुछ नहीं कर रहा, हैदर अली का कहना है। लेकिन विजेंद्र, प्रशासन कब तक करेगा? क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो नियम बना दिए गए हैं, लोगों को ही पालन करना है क्योंकि फायदा तो उसमें उन्हीं का है। विजेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग अपनी जान खुद जोखिम में डाल रहे हैं। जो लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बार बार अपील स्वास्थ्य विभाग की अपील कर रहा है, सरकारें भी अपील करती आई है, उससे पहले भी सभी ने कोरोना का मंजर देखा, किस तरह से लोगों ने ऑक्सीजन के लिए किस तरह से भटक रहे थे लोग, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस लापरवाही के चलते। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता आ रहा है कि लोग मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें। और ऐसे में गुरुग्राम के बस स्टैंड की बात करें या सब्जी मंडी की बात करें, लोग बिल्कुल भी नियमों की पालना करके नहीं नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, फिर वो गुरुग्राम हो, बल्लभगढ़ हो, गाजियाबाद हो या फिर दिल्ली, लापरवाही लोग कर रहे हैं। जनता टीवी बार बार तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि सावधानी बरतें क्योंकि इसी में ही फायदा है। शुक्रिया विजेंद्र, हैदर अली, शिवेंद्र, अमिताभ और अमित चौधरी इस तमाम जानकारी के लिए।